नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से और मैं आ गई हूँ लेकर के एक और नई समरी। तो आइए शुरू करते हैं आज की किताब को जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। और इस किताब की बात करें तो सबसे पहले इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है? क्या हाई रिटर्न्स के लिए आपके अंदर हाई आईक्यू होना ही चाहिए? जी नहीं, बेंजामिन ग्राहम तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जिसमें डिसिप्लिन हो, पेशेंस हो और जिसके अंदर लर्निंग का पैशन हो, यानी कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आता हो और आपके अंदर इंडिपेंडेंटली सोचने की एबिलिटी हो। ग्राहम का मानना है कि इंसान के अंदर इस टाइप की इंटेलिजेंस उसके ब्रेन से ज्यादा कैरेक्टर पर फोकस करती है। क्या आपको पता है कि सर आइजैक न्यूटन ने एक बार स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे? उस टाइम पर साउथ सी कंपनी के स्टॉक्स यूके में सबसे ज्यादा डिमांड में थे। न्यूटन को लगा कि स्टॉक मार्केट में पैनिक फैला हुआ है, इसीलिए उन्होंने अपने सारे स्टॉक बेच दिए और उन्हें 7000 यूरो का 100% प्रॉफिट हुआ था। हालांकि कुछ महीने बाद ही न्यूटन ने भी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के साउथ सी कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट किया और वो भी पहले से ज्यादा अमाउंट, लेकिन इस बार उन्हें 20000 यूरो का लॉस उठाना पड़ा। बाद में उन्होंने कहा भी कि वो आसमान के सितारों की अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन लोगों के इमोशंस को नहीं समझ सकते। और उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि आज के बाद मेरे सामने साउथ सी का नाम बिल्कुल मत लेना। तो क्या न्यूटन पेशेंट, डिसिप्लिन और सीखने के उत्सुक थे? बेशक वो फिजिक्स के जीनियस थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट में उनकी नॉलेज उतनी भी कमाल की नहीं थी। उनका खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं था, इसीलिए उन्होंने दूसरों की बातों में आकर के अपना नुकसान करवा लिया था। न्यूटन एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट तो थे लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं थे। स्टॉक ट्रेडिंग की दुनिया पहले मेडिएवल गिल्ड की तरह होती थी, जब लोग गैस वर्क और सुपरस्टिशियंस पर ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन बेंजामिन ग्राहम के आने से काफी कुछ चेंजेस आए। अपनी किताब के थ्रू उन्होंने इन्वेस्टिंग में इस तरीके से क्लैरिटी और स्ट्रक्चर सेट किए कि ये एक मॉडर्न प्रोफेशन बन गया। अब सवाल ये आता है कि बेंजामिन ग्राहम कैसे इन्वेस्टमेंट के फील्ड में एक इतना बड़ा नाम बन गए? तो कैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट में इतनी नॉलेज अचीव की? तो बात ऐसी है कि बेंजामिन ग्राहम 1894 में लंदन की एक रिच फैमिली में पैदा हुए थे। उनके फादर चाइनीज पोर्सिलेन के डीलर थे और बेंजामिन जब एक साल के हुए तो उनकी फैमिली न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई। उनकी फैमिली न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू में रहती थी। उनके पास एक बहुत बड़ा घर था जिसपे कई सारे सर्वेंट्स थे। फिर कुछ सालों के बाद ही बेंजामिन के फादर की डेथ हो गई। पोर्सिलेन का फैमिली बिजनेस घाटे में चलने लगा और वो लोग गरीब हो गए। बेंजामिन की मदर ने घर में कुछ किराएदार रख लिए और साथ ही कुछ पैसा स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो उनका सारा पैसा डूब गया। बेंजामिन को एक बार बड़ी एम्बेरसमेंट फील करनी पड़ी जब वो अपनी मदर का दिया हुआ चेक कैश करने बैंक में गए। बैंक के एम्प्लॉय ने उनसे कहा कि क्या उनकी माँ के अकाउंट में $5 भी है? और यही वो मोमेंट था, यही वो पल था जिसने उन्हें हार्डवर्क करके अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट किया। तो बड़े होकर के उन्होंने कॉलेज की स्कॉलरशिप ली। बेंजामिन ने अपनी क्लास में टॉप किया था, उस टाइम वो सिर्फ 20 साल के थे। लेकिन उन्हें 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट से टीचिंग का ऑफर मिल रहा था, लेकिन बेंजामिन को मना करना पड़ा। उस वक्त उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वॉल स्ट्रीट पर था। उन्होंने एक क्लर्क की जॉब से अपने फाइनेंशियल करियर की शुरुआत की, बाद में वो एनालिस्ट बने और उसके बाद पार्टनर। फिर जल्दी ही बेंजामिन ने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल ली जिसका नाम था ग्राहम न्यूमैन कॉर्प। 20 सालों तक उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म सालाना का 14.7% रिटर्न्स कमाती रही। साल 1929 से 1932 तक ग्रेट क्रैश रहा, लेकिन ग्राहम की कंपनी ने ये क्रैश ना सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि उसके बाद और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया। उनकी फर्म वॉल स्ट्रीट की सबसे सक्सेसफुल फर्म थी, लेकिन ये सब उन्होंने किया कैसे? कैसे ग्राहम ने इतना लंबा और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट करियर मेंटेन किया? इस किताब में आपको ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पढ़ने को मिलेंगे जो आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में मदद करेंगे। आप सीखेंगे कि कैसे रिस्क को मिनिमाइज करके आप स्मार्टली अपने स्टॉक को चूज कर सकते हो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाम की ये किताब फर्स्ट टाइम 1973 में पब्लिश हुई थी, लेकिन बेंजामिन की टीचिंग इतनी एसेंशियल और इंसाइटफुल है कि आज के टाइम में पूरी तरह से रेलेवेंट है। और बिजनेस मैग्नेट वॉरेन बुफे कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट पर लिखी गई अब तक की बेस्ट किताब है।